भाई देखो देश हो तो ऐसा ऐसा लग रहा है भाई फॉरेन में ट्रेन। देखिए नीचे जनता, ये सिर्फ ट्रेन को देखने के लिए आए हैं भाई। और अभी आएगी हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल, जो अपनी T50 टनल। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल से पता कर लिया होगा कि आज मैं आपको एक नई रेल लाइन पे सफ़र करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि हमने बहुत वर्षों से सपना देखा था दिल्ली से कश्मीर जाने का, वो भी ट्रेन से। और ट्रेन आपको पता है भाई, जहाँ जहाँ ट्रेन हो वहाँ वहाँ मतलब बहुत जनसंख्या जाती है। हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ट्रेन पे डिपेंड है, तो कश्मीर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और कश्मीर ट्रेन पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ USVRL प्रोजेक्ट की, जो कि बहुत साल पहले स्टार्ट किया गया था एंड वो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और आज आपको उसी लाइन पे सफ़र करवाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आप एनिमेशन की मदद से देख लो कि हमारा कितना इतना सा काम है जो कंप्लीट नहीं है, बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ भाई रामबन, जहाँ तक हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो चलो, अभी तो हम जम्मू पहुंच चुके हैं। जम्मू तो आपको पता ही है, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, उधमपुर तक मिल जाएगी। अभी हम जाएंगे यहाँ से रामबन, ठीक है? तो आप देख लो एनिमेशन में वीडियो। सलो जी दोस्तों, मैं आपको लेके आ चुका हूँ हमारे USVRL प्रोजेक्ट के अंदर। और जो जो हमारे प्रोजेक्ट की लेंथ थी ना, ये 338 किलोमीटर की थी, जो कि ऑलमोस्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर दी थी। लेकिन जो हमारा मेन सेक्शन रहता था 111 किलोमीटर का, कटरा से बनिहाल तक का, वही हमारा अनकम्प्लीट। और इस सेक्शन में जो स्टेशन पड़ते हैं, ये हमारे खड़ी, सुंबड़, संगलदान, सवालकोट, डुग्गा, बक्कल, रियासी और कटरा पहले का ही बना हुआ था। और मैं आपको बता दूं, 95% हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक दिक्कत आ गई है, जो टनल वन है ना, उसमें आ गया भाई पानी। वो भी कंप्लीट हो जाना था, लेकिन अब उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी आपको ये भी प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगी, जल्दी आप पूरी लाइन पे सफ़र कर पाओगे, चिनाब ब्रिज के ऊपर सफ़र कर पाओगे। तो थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, बाकी जो लाइन चली है ना उसमें अभी हम सफ़र करने के लिए चलते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो समझ आ गया होगा। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई संगलदान, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में पड़ता है। यहाँ से बाहर से बस मिल जाएगी। सुबह अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं बैठ चुका हूँ जम्मू से रामबन के लिए टम्बू में, क्योंकि कोई भी बस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप भी आते हो ना तो सुबह सुबह निकल जाना भाई, 4 बजे लास्ट बस निकल जाती है रामबन की। बाकी ये टम्बू में बैठ चुके हैं एंड जो डिस्टेंस है वो 125 किलोमीटर का है, जिसके लिए इन्होंने चार्ज कराया भाई 600 रुपया, मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो यही होगा आपके साथ भी, प्रॉपर टाइम पे आना है, ठीक है? यही दिक्कत है। बाकी चलिए देखते हैं कितने बजे रामबन पहुंचते हैं। सो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं संगलदान रेलवे स्टेशन पे, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और भाई जम्मू से आने में यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता जितना बनिहाल पहुँचने में लगता है। और आज हमारी इंडियन रेलवे ने 3 माइलस्टोन डिलीवर किए हैं, वो कौन कौन से वो आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले अंदर चलते हैं, क्योंकि 2:20 पे हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी एंड फर्स्ट कमर्शियल रन है आज इस ट्रेन का। एंड ये रेलवे स्टेशन अपना संगलदान, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है रेलवे द्वारा। देखिए ऑलमोस्ट जो वर्क है वो कम्प्लीट हो गया भाई रेलवे स्टेशन संगलदान पे। और भीड़ देखिए भाई, आज कमर्शियल रन है तो भीड़ देखो भाई, टिकट लेना मुश्किल हो जाएगी भाई यहाँ पे, ठीक है? और देखिए भाई सिक्योरिटी, एक नंबर सिक्योरिटी है यहाँ पे। और वो लगी है ट्रेन। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रेन के पास पहुँच जाते हैं, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि मैं लेट पहुँचा यहाँ पे, सो गया था भाई। और रामबन से यहाँ आते आते रास्ते में भीड़ भी मिल गई थी, इसलिए मैं लेट हो गया। बाकी भीड़ देखो भाई, इतनी सारे कश्मीरी जनता सिर्फ देखने के लिए आई है ट्रेन को, कोई काम कोई काज कुछ नहीं भाई, सिर्फ ट्रेन को देखने के लिए आए। बाकी जो संगलदान रेलवे स्टेशन है यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जो कि इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया गया अपना संगलदान का। और भाई इतनी भीड़ है ना, जाने में इतनी दिक्कत हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। चलो नीचे चलते हैं एंड दिखाते हैं, हर तरफ भाई तिरंगा है। देखिए पुल पे भीड़ देखो भाई, मतलब जा ही नहीं पाओगे आप, इतनी ज़्यादा भीड़ है। नीचे स्टेशन पे देखो भाई, पूरा स्टेशन भर गया है भाई, देखो भीड़ से। ये होता है भाई आज फर्स्ट कमर्शियल रन इस ट्रेन का भाई। और इसका जो उद्घाटन किया था ना, वो आपको अभी बताता हूँ नीचे जाके। देखिए नीचे जनता, ये सिर्फ ट्रेन को देखने के लिए आए हैं भाई लोग, है ना? फर्स्ट कमर्शियल रन है। तो दोस्तों मैं आपको
आपको बता दूं जो जो अपना नया ट्रैक बना है संगलदान से लेके बनिहाल तक, ये 48 किलोमीटर का ट्रैक है जिसका सक्सेसफुली 125 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रायल रन किया था 16 फरवरी को CRS ने, और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 20 फरवरी को हुआ था। लेकिन भीड़ देखो भाई, 20 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो आज कमर्शियल रन है, लेकिन भाई मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई, देखो यहाँ पे। लेट्स सी दोस्तों, USVRL का प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक लाइन का प्रोजेक्ट, जो कि हमने सपना देखा था 2002 में, लेकिन आज हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, उसका जो 95% काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं एक नए रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ जो कि संगलदान है, एंड संगलदान से याद आपको यात्रा करवाएंगे। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने इसका ट्रायल रन किया था 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से, और देखिए भाई नीचे ट्रैक जो बनाए गए हैं ये बैलेंस लेस ट्रैक है, इसलिए इस पर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाई थी भाई। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, 20 फरवरी को मोदी जी ने जो इसका उद्घाटन किया था, उस उद्घाटन ने 3 बड़े बड़े माइलस्टोन को अचीव किया हमारे USVRL प्रोजेक्ट ने। 3 बड़े बड़े माइलस्टोन कौन से हैं? एक है हमारा T50 टनल, जो कि इंडिया की सबसे लंबी टनल है, जिसकी लेंथ है 12.77 किलोमीटर, और दूसरा माइलस्टोन हमने अचीव किया है उधमपुर से संगलदान तक फुली इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, और तीसरा माइलस्टोन की कश्मीर वैली में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन का ऑपरेशन हुआ। तो ये 3 बड़े बड़े माइलस्टोन हमने अचीव कर दिए हैं, एंड आने वाले 2 महीनों में हम जो हमारा संगलदान से लेके कटरा तक का सेक्शन है वो भी हम कंप्लीट कर देंगे, उस पर भी ट्रेन आपको जल्दी देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों ये लगी हमारी ट्रेन जिसमें आज हम सफ़र करने वाले हैं, जो कि DMU ट्रेन है, और 2:20 पर यहाँ से इसका निकलने का टाइम है। बाकी ये जो अपना संगलदान रेलवे स्टेशन है, यहाँ से सिर्फ 2 ट्रेनें ही अभी आती जाती हैं, एक जाती है सुबह यहाँ से 7:20 पे, और एक जाती है यहाँ से 2:20 पे। तो यही 2 ट्रेनें हैं जो कि फिलहाल चल रही है संगलदान से बारामूला के बीच में। ये भाई पूरे अपने निर्धारित समय से अपनी जो ट्रेन है वो निकलने वाली है अपने पहले हॉल्ट संगलदान से, और आज इसका पहला कमर्शियल रन है भाई संगलदान से। और यात्री देखिए, पुलिस वाले कैसे चढ़ा रहे हैं संगलदान से यात्रियों को देखिए, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस नए रूट पे सफ़र करने के लिए। आई होप कि आप भी जल्दी से इस रूट पे सफ़र करो दिल्ली से, जब ये लाइन पूरी की पूरी चालू हो जाएगी। तो चलिए आज आपको भी सफ़र करवाते हैं, एंड वर्ल्ड की और सॉरी इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल भी दिखाएंगे आपको, T50। बाकी इसका टाइम टेबल आपको बता देते हैं इस ट्रेन का। ट्रेन है 04667, ये संडे को छोड़ के हर दिन चलेगी, दोपहर को 2:20 पे चलेगी और शाम को 6 के आसपास आपको बारामूला पहुंचाएगी। डिस्टेंस है 177 किलोमीटर का संगलदान से लेके बारामूला तक का, और देखिए अपनी ट्रेन सक्सेसफुली रवाना कर चुकी है भाई संगलदान से। 20 जगह पे रुकेगी ये संगलदान से बारामूला के बीच में देखिए, और लोग भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस ट्रेन में, यात्री कम और देखने वाले ज़्यादा है, मतलब दर्शक ज़्यादा हैं ये कह सकते हो, यात्री कम है भाई। देखिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं भाई यहाँ पे, और देखिए, और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो सफ़र रहने वाला है ये पूरा टनल्स और पुल के ऊपर ही रहने वाला है भाई, मतलब आप टनल में या पुल में ही जाओगे, प्लेन में आपको बिल्कुल भी सफ़र नहीं मिलेगा ये वाला। और देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत चीज़ देखने को मिल गई हमें, पहले ही निकल गए हम तो, देखिए और देखिए पहाड़ों की खूबसूरती देखो भाई, वाह क्या नज़ारा है यार। बाकी लोग देखिए किस तरह से वीडियो वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ के, यहाँ पे चली है नई ट्रेन इसलिए भाई। और देखिए अभी स्टेशन से मात्र 200 मीटर यहाँ 250 मीटर दूर पहुँचे, और देखिए कितनी खूबसूरत टनल आ गई भाई, देखिए वेरी ब्यूटीफुल टनल देखिए। वाह भाई वाह, देश हो तो ऐसा भाई। देखिए ये CRS की इंस्पेक्शन वैन लगी हुई है देखिए, और भाई देखो देश हो तो ऐसा, ऐसा लग रहा है भाई फॉरेन में ट्रेन जर्नी कर रहे हैं भाई, जिस तरह से हमारे ट्रैक को मेंटेन किया गया है, ट्रैक देखिए
बैलेंसलेस ट्रैक बनाए गए हैं देखिए, और लाइटों के साथ देखिए भाई क्या खूबसूरत टनल से पास कर रही है हमारी ये ट्रेन देखिए भाई। और वेंटिलेशन के लिए देखिए बीच में फैन भी लगाए गए हैं देखिए। क्या साफ सुथरी टनल है यार देखो। ये देखिए दोस्तों हमारा पहला ऑफिशियल हॉल्ट आ गया जो है अपना सुंबड़। सो ये आ गया भाई हमारी ट्रेन का पहला ऑफिशियल हॉल्ट सुंबड़। देखिए संगलदान के बाद आपको सुंबड़ देखने को मिलेगा, इसके बाद आएगा हमारा खड़ी। देखिए सुंबड़ रेलवे स्टेशन को अप्रोच करती हुई हमारी ये डीएमयू भाई देखिए, और खूबसूरती देखो भाई कश्मीर घाटी की देखिए। और यहाँ पे देखिए दर्शक देख रहे हैं भाई पुलिस वाले, और काफ़ी अच्छा बनाया अपना सुंबड़ रेलवे स्टेशन देखिए। संगलदान से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया भाई, और पहुंच चुके हैं पहले हॉल्ट पे जो अपना सुंबड़ MBR इसका स्टेशन कोड है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन देखिए फ़ोटो का सिलसिला किस तरह से चल रहा है, मतलब किस तरह से लोग देखने के लिए आए हैं इस ट्रेन को। एंड इस रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भाई संगलदान में थी देखिए, और ब्यूटी देखिए भाई सुंबड़ रेलवे स्टेशन की देखिए, चारों तरफ खूबसूरत माउंटेन्स देखिए। जनता देखिए भाई कितनी नीचे उतर चुकी थी रेलवे स्टेशन को देखने के लिए। अभी दिखाते हैं आपको डिपार्चर सुंबड़ रेलवे स्टेशन से, और सुंबड़ को देखिए भाई
एनर्जी के लिए। देखिए सोलर पैनल किस तरह से लगाए गए हैं, किस खूबसूरत से लगाए हैं। मिस्टर विशाल हाँ। बाकी देखिए भाई, सुंबड़ घाटी से निकलती थी ट्रेन अपनी, और काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन था सुंबड़। और अभी आएगी हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल, जो अपनी T50 टनल, जो कि मैं आपको बोल रहा था एक माइलस्टोन अचीव किया हमारे USBRL प्रोजेक्ट ने। और ये जो टनल आ रही है ना, यही अपनी T50 टनल, जिसकी लेंथ है 12.77 किलोमीटर लंबी टनल है ये। और नीचे का व्यू देखो भाई, ये पूरी सुंबड़ घाटी है वहाँ। यहाँ भाई ट्रेन का नामो निशान नहीं था, एक टाइम था, लेकिन आज देखो ये किस तरह से घाटी आबाद हो गई। बाकी जितने भी ये सारे अपने भाई हैं, ये देखने आए हैं ट्रेन को। क्यों भाई, सारे के सारे कश्मीर से हैं। कैसा लग रहा है आपको ट्रेन चली तो? है ना, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। एंड इस खूबसूरत वादियों में हमारा सफ़र नामा चल रहा है। देखिए और नीचे देखो, लोग कार को धो रहे हैं भाई अपनी, देखो। ओ भाई साहब, क्या ब्यूटी है यार, देखो। और ये आगे हमारी T50 टनल, देखिए। और इसको पार करने में भी लगभग 20-25 मिनट लग जाएंगे ना। देखिए भाई हमारी T50 टनल, और ऊपर देखिए 12.77 किलोमीटर लंबी टनल है। और भाई इतनी लंबी टनल हमारे देश में नहीं है भाई, वो भी रेलवे टनल। देखिए इस पे हार भी लगाए गए हैं भाई, देखिए इसके उद्घाटन के लिए देखिए हार भी लगाए गए हैं। इसने लगभग 20-25 मिनट ले लिए होंगे पूरी T50 टनल को क्रॉस करने के लिए। और देखिए जैसे आप टनल क्रॉस करते हो, वैसे ही हमारा खड़ी रेलवे स्टेशन आपका स्वागत करता है। देखिए देखिए टनल के पार खड़ी रेलवे स्टेशन, और खड़ी आपको पता ही है भाई, वादियों में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन अपना खड़ी। देखिए बर्फ से ढका हुआ अपना खड़ी, देखिए। और अपनी ट्रेन अराइव करती हुई खड़ी रेलवे स्टेशन पे, और अपना तिरंगा देखिए भाई शान से कैसे लहरा रहा है। देखिए यहाँ पे भीड़ का काफिला काफी ज्यादा है। रुतवा है भाई, कैसा लग रहा है? बढ़िया है ना भाई, कितने खुश है, देखो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों संगलदान से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी हमारी इस ट्रेन ने तय कर ली, और पहुंच चुके अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट पे, जो अपना खड़ी KARI खड़ी का स्टेशन कोड है। और खड़ी पे देखिए पूरी की पूरी जो ट्रेन है ना, ये खाली हो चुकी है भाई खड़ी में ही। तो आप मतलब जायजा लगा सकते हो, जितने भी यात्री हैं, ये यात्री नहीं है भाई, सिर्फ ट्रेन के दर्शक हैं। ये ट्रेन को देखने के लिए, ट्रेन का लुप्त उठाने के लिए आए हैं इस नई लाइन पे। देखिए पूरा का पूरा भाई स्टेशन भर गया भाई, इतनी भीड़ है। और खड़ी रेलवे स्टेशन देखो किन वादियों में बसा हुआ है, देखो कितनी खूबसूरत वादियों में बसा हुआ अपना खड़ी रेलवे स्टेशन भाई। देखिए चलो चलो भाई, देखिए पुलिस वाले रोक रहे हैं, लेकिन यात्री फिर भी नहीं मानते, चढ़ ही नहीं रहे भाई ट्रेन में, बैठ ही नहीं रहे। देखिए बाय <भाई। laughs>
ये महिला चलती ट्रेन से चढ़ रही थी। कश्मीर घाटी में अभी घुसे भी नहीं है, अभी हम जम्मू रीजन में ही हैं, लेकिन ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपका प्लान बनता है ना इस तरफ आने का, तो आप मार्च तक भाई अपने गर्म कपड़े कैरी कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे अप्रैल में भी थोड़ी बहुत ठंड होती है ना, लेकिन मार्च तक भाई आप गर्म कपड़े यहाँ पे कैरी करके आना, वरना हालत ख़राब हो जाएगी भाई आपकी। कैप वगैरह डाल के आना, ठीक है। बाकी देखिए अभी हमारी ट्रेन देखिए कितने खूबसूरत ब्रिज को पार कर रही है, और पानी देखो भाई कितना साफ़ सुथरा पानी है यहाँ देखो। का नाला था ये, भीड़ देखो भाई, पूरी की पूरी ट्रेन पैक हो चुकी है। देखिए सलो जी भाई, स्वागत है आप सभी का बनिहाल में। देखिए बनिहाल में पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन, देखिए। और बनिहाल में आपको स्नो फॉल भी देखने को मिल रहा है भाई, देखो ट्रैक के ऊपर स्नो फॉल हुई है देखिए। और पूरी की पूरी कश्मीर घाटी देखिए, यहाँ पे स्नो फॉल देखने को मिलेगा। और ये सामने रेंज देख रहे हो आप, ये अपनी पीर पंजाल रेंज देखिए, ये सारी की सारी पीर पंजाल रेंज है भाई। और पीर पंजाल रेंज आपको पता ही है भाई, जो कि डिवाइड करती है जम्मू और कश्मीर रीजन को, और इसके बीच एक टनल भी बनी हुई है जो कि आपको अभी दिखाएंगे बनिहाल के बाद, ठीक है। पहुंची है भाई अभी बनिहाल में, और बनिहाल में देखिए गद्दे चढ़ा रहे हैं भाई लोग, देखिए सारे गद्दे चढ़ाए जा रहे हैं अपनी स्पेशल ट्रेन। भाई मेहनती यूट्यूबर देखो भाई, अब यूट्यूबर हो क्या भैया? हाँ हालत खराब हो गई क्योंकि टनल अभी साफ नहीं हुई है, मतलब धोई वगैरह नहीं है, तो एकदम हालत खराब हो गई भाई बंदे की। देखो भाई पूरे कपड़े खराब हो गए, देखो चक दो फटे। बाकी देखो भाई निकल चुकी है अपनी ट्रेन बनिहाल से देखिए। और जो बनिहाल था ना, ये तीसरा ऑफिशियल होल्ट था भाई इस ट्रेन का, और 48 किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली है हमने संगलदान से, और अभी हम कश्मीर रीजन में एंटर करने वाले हैं इस रेंज के बाद, यानी कि पीर पंजाल रेंज के बाद। एंड ये जो टनल आएगी ना, ये पहले इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेल टनल हुआ करती थी जब हमारी T50 टनल नहीं बनी थी। तो ये बंदे देखिए एमरजेंसी खिड़की से भाई, और भाई सारे कश्मीर से हो जी, जी। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बाकी एमरजेंसी विंडो से भाई पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं खूबसूरती का, देखिए। और देखिए अभी जो स्नो फॉल हुई है, ये पूरी तरह से मेल्ट भी नहीं हुई है भाई, और आपको टनल के बाद और ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और ये जो हाईवे देख रहे हो, ये अपना कश्मीर श्रीनगर जाने वाला हाईवे है भाई। ये जो टनल है ना, इसके बाद कोई भी टनल नहीं है, ये लास्ट टनल है भाई, मतलब इस रूट का ये लास्ट टनल है। इसके बाद पूरा प्लेन इलाका है ना, पहाड़ों को बीच में है ना कश्मीर घाटी, ये देखिए अपना बनिहाल टनल। बर्फ की दुनिया में आपका स्वागत है भाई, देखिए बर्फ ही बर्फ।
बर्फ की दुनिया में आपका स्वागत है भाई। लो भाई, सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी अब आपको। अभी हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि बाहर हो गई है भाई, बाहर लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि स्नो की दुनिया में भाई आ चुके हैं हम। और अभी जो नेक्स्ट इसका हॉल्ट आएगा वो काजीकुंड आएगा, जहाँ पे हम इस ट्रेन को डिवोट कर देंगे। बाकी इस ट्रेन की खास बात ये है दोस्तों, बेशक ये लोकल ट्रेन है लेकिन इसमें आपको रूम हीटर मिलता है, मतलब ब्लोअर लगा हुआ है भाई इसमें। पूरी की पूरी अंदर से गर्म है लेकिन बाहर काफ़ी ठंड है भाई। भाई पहुंच चुके हैं काजीकुंड में, देखिए फाइनली काजीकुंड में पहुंच चुके हैं। ठंड से बुरी हालत हो चुकी है भाई एकदम, तो इस सफ़र को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। और अब ये ट्रेन सीधी बारामूला को निकल जाती। बाकी आज का मकसद यही था आपको USVRL का जो हमने अचीवमेंट्स की, वो अचीवमेंट्स आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको एक और खूबसूरत ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।